तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त है प्रीतम। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी भी फैमिली आईडी में आपको प्राइवेट इंडस्ट्री एम्प्लॉई यानी दोस्तों कंपनी का कर्मचारी दिखाकर आपका जो राशन कार्ड है वो काट दिया है या फिर आपका नया राशन कार्ड नहीं बना, चाहे आपका बीपीएल लिस्ट में नाम नहीं आया है और जैसे ही आप रीजन चेक करते हैं तो ये इस प्रकार का जो रीजन है आपके सामने आता है कि आप किसी कंपनी यानी इंडस्ट्री में काम करते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपकी जो सैलरी है वो 1,80,000 से ऊपर है पूरे साल की। तो दोस्तों, इस समस्या का जो समाधान है आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो तरीका है इस तरीके से आप चुटकियों में ग्रीवेंस लगा सकते हैं, कुछ ही आपको टाइम लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि ये जो समस्या है कंपनी वाली इसे ठीक कैसे करें। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें आ जाना है गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में हमें लिखना है फैमिली आईडी हरियाणा और इसे सर्च कर देना है। दोस्तों, जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक ब्लू लिंक आता है, इस पर आप हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आप परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक सिटीजन कॉर्नर का ऑप्शन दिख जाएगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपडेट फैमिली डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर यस नो का ऑप्शन आएगा। अगर आप फैमिली आईडी से सर्च करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर आधार से सर्च करना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करें। चलिए, हमारे पास फैमिली आईडी नंबर है तो हम यस पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, यहां का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां से भी अगर आप आधार से सर्च करना चाहते हैं तो फॉरगेट योर फैमिली आईडी पर क्लिक करके आधार नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फैमिली आईडी नंबर डालते हैं और सर्च पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी फैमिली आईडी में जो नंबर लिंक है उसके आखिरी के 4 अक्षर दिखाए जाएंगे। अब आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहां पर आपको ओके करना है। अब जो ओटीपी आपके पास आया है वो यहां पर आपको लिखना है और ये जो 2 संख्या आपको दिख रही हैं, अगर माइनस का निशान है तो दोनों संख्याओं को घटाकर लिखें, अगर प्लस का निशान है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर यहां पर उत्तर लिखें, अगर दोस्तों यहां पर स्टार लगा हुआ है तो दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके उत्तर लिखकर आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर फैमिली आईडी ओपन हो जाएगी और ऊपर आपको दिखेगा सिटीजन लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार के जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहां पर आपके सामने रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है बीच वाले ऑप्शन पर। इसके बाद दोस्तों, जो आपकी फैमिली आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी अपडेट फैमिली वेरिफिकेशन डैशबोर्ड पर। अब दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी कंप्लीट डिटेल दिखाई जाएंगी और यहाँ पर वह भी दिखेगा कि आपने कितनी इनकम शुरुआत में भरी थी जब फैमिली आईडी बनवाई और आपकी कितनी इनकम पूरे परिवार की लोकल कमेटी द्वारा वेरीफाई की गई है। अब दोस्तों, अलग अलग जो मेंबर हैं आपके परिवार के उनकी भी इनकम यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल इनकम आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, आपको नीचे यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक रीजन दिख रहा है, ए फैमिली मेंबर इज ए एम्प्लॉयड इन प्राइवेट इंडस्ट्री एंड रिसीव एन एनुअल सैलरी वेज ऑफ मोर देन ₹180 पर एनम। यानी दोस्तों, ये जो आपके परिवार का सदस्य है ये किसी कंपनी में काम करता है या इसने काम किया है और दोस्तों जो इसकी सैलरी थी वो 1,80,000 से ऊपर है। अगर दोस्तों ये समस्या आपके सामने आ रही है और आप 1,80,000 से ऊपर सैलरी नहीं लेते तो अब आपको इस ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर आपको उस कंपनी का नाम लिखना है जिस कंपनी में आप काम करते हैं, यानी दोस्तों उस जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उसका नाम यहां पर आपको लिखना है और जो उसका एड्रेस है जहां पर वो बनी हुई है उसका कंप्लीट एड्रेस लिखना है, उसका फोन नंबर आपको लिख देना है और इसके बाद दोस्तों जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और पर मंथ आपको कितनी सैलरी मिलती है वो भी यहाँ पर आपको लिख देनी है। अब दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि अभी भी आप कंपनी में काम करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं करते तो आपको नो कर देना है।
अब दोस्तों अगर आप काम करते हैं तो यस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। लेकिन दोस्तों अगर आप नहीं करते, क्योंकि आपने पहले काम किया था, अब आप काम नहीं कर रहे, अब आपने काम छोड़ दिया है, अब आपको नो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइम पीरियड बताना है कि आपने कब से लेकर कब तक काम किया है, यानी आप किस दिन कंपनी में जाने लगे थे, उस वो डेट आपको फ्रॉम जो डेट दिख रही है इस ऊपर वाले जो आई ऑप्शन में आपको फिल करना है, कब आप कंपनी में जाने लगे थे और कब आपने छोड़ दी, वो नीचे वाले ऑप्शन पर आपको डेट फिल करनी है। और ये जो सबमिट का बटन आप देख पा रहे हैं, सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज पॉपअप ओपन होगा। आप यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। जैसे ही ये मैसेज आपके सामने आता है आप समझ जाएं जो आपने रिक्वेस्ट डाली है वो पहुंच चुकी है। अब दोस्तों जो डिटेल आपने दी है उसकी जानकारी ली जाएगी, डिपार्टमेंट इसे एक बार कंफर्म करेगा। अगर आप द्वारा जो सैलरी भरी गई है, जो इसमें इनकम भरी गई है, सैलरी डाली गई है, वो अगर सही पाई जाती है और वो जो आपने भरी है वो अगर 1,80,000 से कम पाई जाती है तो जो आपका राशन कार्ड है कटा हुआ है वो बन जाएगा। अगर दोस्तों नहीं बना था पहले भी तो नया बन जाएगा, या फिर दोस्तों आपका आयुष्मान लिस्ट में नाम नहीं आया तो उसमें भी नाम जल्द से जल्द आपका जुड़ जाएगा, जैसे ही सरकार दोबारा से नाम जोड़ने शुरू करती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। बस दोस्तों आपको इतना ही काम करना है और अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इतनी जो रिक्वेस्ट है एक बार लगा देनी है। रिक्वेस्ट लगाने के बाद डिपार्टमेंट द्वारा चेक किया जाएगा कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है, अगर सही है तो आपका अब काम हो जाएगा, आपका जो राशन कार्ड है वो बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आगे से आपको और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए और कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपके हाथ से मिस न हो और उस जानकारी को भी आप देख पाएं ताकि आपको कुछ पता चल सके, आपको नई इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल सके। दोस्तों इसके अलावा भी मैंने दो वीडियो बना रखी है कि अगर आपकी मीटर से संबंधित समस्या है तो उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, अगर आपकी आप फार्मर हैं और आपकी फसल से संबंधित समस्या है तो उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है, उसे आप दोस्तों देख सकते हैं। अगर दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कोई समस्या होती है या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। या फिर दोस्तों आपको रिक्वेस्ट डालने में भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आशा है जो आज मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको बिल्कुल भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल आसान और नया तरीका है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप चुटकियों में अपनी ग्रीवेंस लगा सकते हैं, आपको क्लिक करना है, डिटेल भरनी है और सबमिट करना है, बस इतना ही तो काम है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।